2024 से पहले ही जंग शुरू हो गई है और इस जंग ने कहीं ना कहीं एक बात साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जितना आसान समझ रही है उतना नहीं है। एक तरफ इंडिया गठबंधन बनने के साथ ही लोकसभा में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी घिर गई है, अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, तो वहीं मणिपुर की घटना ने सरकार की किरकिरी कर दी है। बात यहीं तक नहीं रुकती है, 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी भगदड़ मच गई है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई है और बिहार में हुए इस भगदड़ और पहला विकेट गिरने के बाद चर्चा तेज हो गई है। यहाँ तक कि पटना से लेकर के दिल्ली तक हलचल बढ़ी हुई है। क्या हुआ है और पूरी कहानी क्या है, हमारे मैनेजिंग एडिटर ने जो बयान लिया है उस बयान के आधार पर आप सुनिए कि विनोद शर्मा क्या कह रहे हैं और क्यों उन्होंने अब इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के पुराने प्रवक्ता विनोद शर्मा जी। जी हाँ, इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ बातें हो गई विनोद शर्मा जी? देखिए, काफ़ी दुखी मन से भारतीय जनता पार्टी से मैंने इस्तीफा दिया, क्योंकि पूरे विश्व में आज भारत की छवि कलंकित हुई है। जो प्रधानमंत्री जी विश्वास दिला रहे थे कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, बेटी बचाएंगे, नारी सुरक्षा देंगे, आज वो सोए हुए हैं। मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। पूरे विश्व में जिस तरह से हमार बहन बेटियों को सड़कों पर नग्न करके घुमाया गया, उसके गुप्तांगों से खिलवाड़ किया जुलूस में, भीड़ में, और प्रधानमंत्री जी में हिम्मत नहीं है कि उस मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। हमारे चीफ जस्टिस ने भी आवाज़ उठाई है कि तत्काल कार्रवाई करिए, उसके बाद भी हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री को, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसका मतलब प्रधानमंत्री इस घटना को करवा रहे हैं, वो जानबूझकर ऐसे लोगों को तरजीह दे रहे हैं। वहाँ का मुख्यमंत्री बोलता है कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई हैं, किस पर कार्रवाई करें? तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी? हर भाजपाई को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर इंसानियत है, अगर उनको बहन बेटी है, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन विनोद शर्मा जी, मणिपुर की घटना को कई महीने हो गए, वैसे में आज आप जग रहे हैं, इसके पहले भी? अरे भाई, आप भी आज जग रहे हैं ना, आपने 3 दिन पहले 4 दिन पहले फोटो दिखाया, आप भी सोए हुए थे। तो जब मैंने देखा कि इस तरह की घटना हुई, अंतरात्मा मेरी जगह। मणिपुर की घटना पर तो लगातार भी बेटियों का फोटो किसने दिखाया सड़क पर घुमाते हुए? कितने दिन पहले दिखाया आपने? लीजिए, अरे सच्चाई तो दुर्घटना दुर्घटना होती है, मारकाट सब जगह होता है, लेकिन बहन बेटियों को नग्न करके क्या कब आपने दिखाया? इस घटना ने आपको आहत कर? नहीं, महान बेटियों को जो सड़क पर घुमाया गया उस घटना ने आहत किया। वही कर रहे हैं के साथ जो अत्याचार हुआ। तो 4-5 दिन पहले मैंने पत्र लिखा नड्डा जी को, प्रधानमंत्री को मेल किया, सारी बातों की जानकारी दी। हमको दबाव दिया जा रहा था इसके पक्ष में बोलने के लिए। मैं कहा कि संभव नहीं है, मैं राजनीति करूँ या ना करूँ, इसके पक्ष में नहीं बोल सकता, इस घटना के पक्ष में नहीं। आपने आवाज़ उठाई लेकिन आपकी बात सुनी नहीं गई। हमारी क्या बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं है कि आवाज़ उठा पा? हम तो आवाज़ उठा लिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस पार्टी के मालिक हैं और भाजपा के भी मालिक हैं और सरकार के भी मालिक हैं। कहा जा रहा है कि आपको पार्टी ने निकाल दिया। अरे भाई, निकाल दे रहे तो पोस्टर मैंने लगा दिया, रात में डिबेट किया हूँ जी न्यूज बिहार पर, और कई एक चैनलों में भाजपा में बैठ के डिबेट निकाल दिया था। तो कैसे कर रहा था? मैंने तो रात में ही होर्डिंग, इसीलिए इन बेईमानों को जानता था नियत को कि कहेंगे निकाल दिया, इसलिए मैंने होर्डिंग पहले ही लगा दिया कि देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, और इस्तीफा मैंने भेज दिया सारे जगह, अब निकालते रहो। मैं तो खुद इस्तीफा दे। आखिरी सवाल मेरा है कि अब आप किस दल में जा रहे हैं? अभी मैं वैसा कोई विचार नहीं किया हूँ, मैं इस लड़ाई को आगे लड़ूंगा। बहन बेटियों की जो भाजपा नारा देती है, बेटी बचाओ महिला सुरक्षा, उसके लिए पूरे देश को जागृत करूंगा। चलिए, तो विनोद शर्मा जी हैं, कल तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ मणिपुर में, उसको लेकर के काफ़ी आहत हैं। इन्होंने पार्टी में अपनी बात भी कही, लेकिन इनकी बात जब नहीं सुनी गई तो बाध्य होकर इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। आगे किस दल में शामिल होंगे देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें भारत लाइव के साथ। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।